हेलो एवरीवन पूजा यू फ्रॉम इजी वास्तु टैरो कार्ड रीडर निम्बल लॉजर स्वास्थ्य कंसल्टेंट एंड एन एस एंड आज का वीडियो है रिगार्डिंग जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा मंथली टारो रीडिंग फॉर मार्च 2021 कैसा रहेगा मार्च 2021 इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ करियर लाइफ एंड इन जनरल सो so, उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फर्गेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी मैटर करती है बिकॉज जब आप लाइक करते हैं सो so हमें पता चल पाता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है कमेंट कर दो तो हम देख पाते हैं कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं एंड आपके एक लाइक करने से भी नो ये वीडियो जो और राशि वाले देखना चाहते हैं उन तक भी बड़ी आसानी से पहुँच जाता है सो so, दूसरे जो नो रियली वीडियोज़ को सुनना चाहते हैं उन तक भी ये पहुँच जाता है सो दैट मीन्स रील लॉट टू अस सो डेफिनेटली डोंट फोरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अगर आप कोई डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं सो so फॉलो करें इंस्टाग्राम या फेसबुक पर उसके डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. हैं बहुत लोग पूछते हैं कि रीडिंग्स मून साइन बेस्ड है सन साइन बेस्ड है मैं हमेशा कहती हूँ कि नो ये वीडियोस को आप जब भी देखें टैरो रीडिंग को जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं वो राशि को आप देखें या जो राशि आपको लगती है नो या आप ये राशि के हैं वो राशि आप होना चाहे वो मून साइन हो सन साइन हो ड मैटर आप कॉम्बिनेशन ऑफ दो राशि भी देख सकते हैं मैं पर्सनली जब टैरो रीडिंग करती हूँ तो मैं एज़ पर बर्थ डेट जोडियस साइन से करती हूँ मतलब जिस डेट को आप बॉर्न है उससे जो वेस्टर्न जोडियक एस्ट्रोलॉजी बनती है मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ बट आप नाम राशि से, 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 से भी देख सकते हैं आप जोडियक से भी देख सकते हैं आप मून साइन से भी देख सकते हैं सनसाइन से भी देख सकते हैं दैट्स द ब्यूटी ऑफ टैरो कार्ड्स तो जो राशि आपको लगता है भाई हम ये राशि हैं तो वही राशि को आप देखें बड़ा ज़्यादा सोचे नहीं जस्ट फॉलो योर इंट्यूशन एंड सी द वीडियो वो आपके लिए बेस्ट एंड अच्छा माना जाएगा सो आई विश यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी फॉर योर मार्च टू उसी के अलावा अगर आप कोई पर्सन कंसल्टेशन भी चाहते हो नीचे डिटेल्स अवेलेबल हैं वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थैंक यू सो मच हेलो एक्वेरियस स्वीट रीडिंग आपके लिए है फॉर मार्च 2021 कैसा रहेगा आपका लव लाइफ एज वेल एज करियर लाइफ जो सिर्फ करियर रीडिंग सुनना चाहते हैं वो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं करियर रीडिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग बहुत एस्पेक्ट सुनना चाहते हैं लव एंड करियर प्लीज़ इन्जॉय करी रीडिंग को आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ से जस्ट अभी स्टार्ट हो जाएगा सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं यू नो आप कैसा फील कर रहे हैं क्यूरियस रिगार्डिंग टू टूअर लव लाइफ यहाँ पे आपके नाइट ऑफ स्पोर्ट्स के कार्ड्स है जो कहीं ना कहीं बताता है कि यू नो पॉसिबल है कि आप uh, एक्वेरियस थोड़ा सा परेशान होकर इरीटेट होकर कुछ गुस्से में आकर कह सकते हैं अपने पार्टनर को या रिसेंट पास में कह दिया है या कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं बट स्टिल आपका इंटेंशन फिर भी ये है कि आप उसको ठीक करना चाहते हैं बेहतर करना चाहते हो अच्छा करना चाहते हो मैं कहूँगी जो स्टे देयर एक्वेरियस जो भी आप कोशिशें कर रहे हैं एफ़र्ट्स डाल रहे हैं जो भी कम्युनिकेशन हो गई है थोड़ा तो पेशेंस रखिए वो टाइम से अपने आप सही होगा आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी गुस्से में आकर फिर से कोई एक्शन लेना या कोई सिचुएशन को कंक्लूड ना करें वो बेहतर होगा कई बार सामने वाला ज़्यादा टाइम ले लेता है रेस्पॉन्स देने में बट कोई बात नहीं आप उतने टाइम के लिए पेशेंस रखें बिकॉज आप थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं कि क्यों नहीं हो रहा कब होगा ऐसे कैसे चलेगा क्यों नहीं हो रहा इस तरीके के मन में सवाल उठ सकते हैं बट वही है कि थोड़ा सा रेस्टलेस वाला कार्ड है तो पेशेंस रखिएगा कोई भी रिलेशनशिप में कहने से पहले डिसीजन लेने से पहले आपके पार्टनर थोड़े से अपसेट एंड उदास लगते हैं जैसे कि नो वो कम्युनिकेशन को रेजिस्ट कर रहे हो बात नहीं करना चाहते उनके पॉज वाले कार्ड्स है कि उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आपकी बातों को इन कम्युनिकेशन को इसमें थोड़ा सा पेशेंस ही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सजेस्टेड है आगे अगर हम बात करते हैं ना रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम्स चल रही है तो क्या सिचुएशन है क्या रिकवरी हो सकती है मार्च महीने में या क्या है तो यस रिकवरी पॉसिबल है रिकवरी के चांसेस बड़े अच्छे हैं कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में भी रहते हो तो मिलने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं बात होने के दिख रहे हैं पर अच्छे से कम्युनिकेशन करना सजेस्टेड है <coughs> वापस से पास की बातों को ना लाया जाए समेयर एक्वेरस um, में सजेस्ट करूँगी आप जो प्रार्थना कर रहे हैं जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं जो भी हीलिंग मोडालिटी यूज़ कर रहे हैं वो डेफिनेटली आप करते रहें वो आपके लिए ज़रूर बहुत ही लकी और ऑस्पिशियस माना जाएगा मार्च मंथ में सम वेर कह सकते हैं सेकेंड वीक ऑफ मार्च के बाद में बात होने के योग बनते हुए दिख रहे हैं इंप्रूवमेंट आ सकती है बातचीत हो सकती है बट तभी भी मैं कहूँगी जो एक होता है ना रिश्ते में थोड़ा सा हंड्रेड परसेंट क्लैरिटी या हंड्रेड परसेंट कमिटमेंट शायद अभी भी ना मिले उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह सकता है रिश्ते में अभी भी बट कोई बात नहीं आप लोग का कनेक्शन अच्छा होने की वजह से वापस से कनेक्शन बन जाना अच्छे योग दिख रहे हैं तो जो लोग जानना चाहते हैं क्या आप कम के चांसेस है कम्युनिकेशन के चांसेस हैं कुछ बेहतर होने के चांसेस है तो उसके लिए येस है जो लोग मैरिज लो के लिए दिख रहे हैं मैरिज के लिए भी अच्छा रिश्ता आ सकता है बट शादी वाले कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं तो एक अच्छा रिश्ता आके बात आगे बढ़ सकती है सिंगल हैं किसी के साथ यू नो कनेक्शन उनका अच्छा बन रहा है तो क्या वो कनेक्शन और अच्छा बनेगा जो सिंगल्स हैं तो ये yes, सिंगल्स की लाइफ में भी किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है उनके साथ भी कनेक्शन अच्छे बन सकते हैं सो कई ना कई एक्वेरे से कह सकते हैं कि जो एनर्जीज़ हैं आपके लिए थोड़ी सी स्टार्टिंग में टफ़ दिखाई देती है बट धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए काफ़ी बेहतर और अच्छी रीडिंग होती हुई दिख रही है पॉजिटिव कार्ड से आप यू नो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाना भी हो सकता है कहीं ट्रैवल प्लानिंग भी हो सकती है दोस्तों के साथ फैमिली के साथ लव्ड वन के साथ मिलकर तो अच्छी एनर्जीज़ हैं एक वेरी इज नथिंग टू वेरी मच मैं कहूँगी स्टिल जो भी थोड़ी बहुत बातें हैं उसमें संयम में बनाए रखें वो अपने आप ठीक एंड बेहतर हो जाएगा आगे अगर हम बात कर लेते हैं नो इसको बिफोर आई स्टार्ट द करियर एस्पेक्ट में कहना चाहूँगी एक्वेरियस एक चीज़ आपके लिए एडवाइस ज़रूर है इस मार्च मंथ में जितना भी हो सके नो आपके जो मन में बातें हैं जो भी आप इन सोचते हैं जो लाइफ में करना चाहते हैं हर चीज़ को हर बार हर पर्सन से शेयर करना रिकमेंडेड नहीं है आपको ये बेहतर होगा कि नो आप जो भी पहले काम कर लें फिर कहें वो अच्छा होगा जैसे कि मान लीजिए आप रिलेशनशिप में भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो हर चीज़ आप पार्टनर से ना कहें थोड़ा सा पेशेंस थोड़ा सा संयम स्लो रख के चलेंगे तो बहुत अच्छा माना जाएगा आपके लिए आपकी लव लाइफ में भी बिकॉज कई बार क्या होता है इक्वरियस कई बार थोड़े से हाइपर होके बहुत सारी चीज़ें कह देते हैं फिर वो नहीं कर पाते हैं, अगर तो फिर फंस जाते हैं तो so, इसीलिए इक्वेस लव लाइफ हो करियर लाइफ हो हर एस्पेक्ट में ये चीज़ आपके लिए रिकमेंडेड है कि जो भी आप कहें सोच समझ कर कहें और मोस्टली सजेस्ट है काम होने के बाद कहें तो और भी अच्छा है आपके लिए इक्वेस तो यस दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ अच्छी रीडिंग है बहुत टेंशन मुझे नहीं दिख रही है चलते हैं आपके करियर रीडिंग की तरफ तो करियर रीडिंग में आप बहुत ज़्यादा परेशान लगते हैं अपने मनी एस्पेक्ट को लेकर आपके बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ड्रीम्स हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं बट आपको ऐसा लग रहा है कि न शायद आप जो आपके सपने हैं वो करने के लिए आप रिवर्स पोजिशन पर है शायद आपके पास सही तरीके से उसके पैसे नहीं हैं वो जो जो भी आपके ड्रीम्स हैं उतने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है आपके पास तो इसीलिए आप अपने ड्रीम्स को कहीं ना कहीं पोस्टपोन कर देते कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे में ही ठीक है पता नहीं कैसे होगा लेकिन आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन कार्डेंस कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो सपने हैं वो सपनों पर भरोसा ज़रूर रखें बिकॉज अगर कुदरत भगवान आपको कोई चीज़ का आइडिया देते हैं कोई चीज़ करने का इंट्यूशन देते हैं तो उसका एक कारण है मनी की टेंशन के लिए कहीं ना कहीं कह रहे कि अगर आपको लगे तो आप किसी से पार्टनरशिप करके बिजनेस स्टार्ट करें आप किसी से फंड्स ले सकते हैं आप किसी को रिक्वेस्ट करें आप किसी से बातचीत करें कि आपको अच्छा जॉब मिल जाए अच्छी प्रमोशन हो जाए जो भी आपकी लाइन है बिजनेस है आपका कोई कहीं आपको एडमिशन चाहिए कहीं आपको कुछ भी चाहिए तो कहीं ना कहीं लोगों से सपोर्ट लें फाइनेंशियल सपोर्ट लें किसी का मिलजुल के करें ऑफकोर्स सबके पास इतने सपोर्ट नहीं होंगे बट एटलीस्ट ढूंढें आइडिया अप्लाई करें बट उस आइडिया को ऐसे ही जाने ना दें सोच के कि मे बी आपके पास अभी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है तो आप नहीं करेंगे ये एक सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च मंथ में तो अपने आइडियाज़ को या तो आप लिखें या उस पर गौर करें या उसके बारे में सोचें या उसकी प्लानिंग ज़रूर करें तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है आप इसी तरीके से अपने अबेंडेंस को बढ़ा पाएंगे इनक्रीज़ कर पाएंगे उसके अलावा कोई खास बिग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही है इस मंथ में आ, इन टर्म्स ऑफ यू नो वेरी हाई प्रमोशन या कुछ बड़ा अच्छा जॉब मिल जाना या बिज़नेस में बहुत अच्छा एक हाइक हो जाना वैसा नहीं है जो जैसी जिनकी रूटीन चल रही है काम में वैसी ही चलेगी बट या जो आपके बिग बिग ड्रीम्स हैं उस पर अपना फेथ भरोसा उनके लिए काम करना वो पूरी तरीके से सपोर्ट डिवाइन गाइडेंस कार्ड आपको दे रहे हैं कि पूरी तरीके से रखें वो सजेस्टेड है आगे अगर हम बढ़ते हैं नो यहाँ पे आपके लिए एक और करियर कार्ड है जो बहुत ही अच्छा कार्ड है ये थर्ड हाउस का कार्ड है ये अगेन मैसेजेस कह रहा है थर्ड हाउस एक ऐसी एनर्जी मानी जाती है एस्ट्रोलॉजी में ट्रैवल की भी एनर्जी है यहाँ पे भी ट्रैवल कार्ड्स आए हैं सो so, एक्वेरियस के लिए मंथ में ट्रैवल ज़रूर पॉसिबल है हाई चांसेस हैं अगर आप अब्रॉड के लिए ट्राई कर रहे हैं उसके लिए भी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती है कि उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है वहीं थर्ड हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पर नो कहते ना इसे यहाँ पर मैं कह रही थी कि सपोर्ट फ्रेंड्स आपको लेनी चाहिए तो सेम चीज़ थर्ड हाउस कहता है कि नो आपके दोस्त हैं कम्युनिकेशन है आप अपना कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा यूज़ कर कहते हैं ना कि हम अच्छा बोलें अच्छे तरीके से बात करें तो कई बार हमारे काम बन जाते सबसे अच्छे से निभा के रखें किसी से मदद मांगे तो भैया काम आसान हो जाते है सो तो थर्ड हाउस भी वही चीज़ आपको है ना फोकस करने के लिए कह रहा है कि आप उस तरीके से रखें आपके लिए बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव माना जाएगा एक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है आपके लिए फॉर दि मार्च मंथ और अगर मैं कोई एंगल देखूँ तो यहाँ पे भी आप देखें तीनों दोनों ही कार्ड सेम चीज़ इंडिकेट करते हैं कि सपोर्ट लेना हेल्प मांगनी सही तरीके से कम्युनिकेशन करना ट्रैवल इंडिकेटेड है बिग ड्रीम्स एवरीथिंग एंड ये कहीं ना कहीं थर्ड हाउस एक ऐसा हाउस भी माना जाता है जो लोग अपने आप को एजुकेट करना चाहते हैं अपग्रेड करना चाहते हैं जैसे कि आप जो भी आपकी एज है आपको लगता है कि नो मैं अगर ये कोर्स कर लूँगा मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा ये कोर्स कर लूँगा मेरा करियर अपग्रेड हो जाएगा सो डेफिनेटली थर्ड हाउस कोई भी शॉर्ट टर्म एजुकेशन को ज़रूर सपोर्ट करता है तो उसके लिए भी रास्ते सारे खुले हैं ज़रूर उस आइडिए को आप प्लानिंग करें एग्जीक्यूट करें अच्छा है और अगर हम आपके लिए नो गाइडेंस कार्ड की अगर बात करें तो देखिए फिर से एक और बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव अमेजिंग कार्ड सीधा सीधा आपको एक कार्ड यू नो कह रहा है कि नो हिम्मत बनाएं पहला स्टेप आप बस ले लें क्योंकि कई बार इंसान ना बहुत बड़ा सोच के रुक जाता है जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर आपको आइडियाज़ आएंगे लेकिन आप ये भी सोचोगे कि मुझे शायद नहीं मिल पाएगा मेरे पास उतने पैसे नहीं है मैं नहीं कर पाऊँगा तो वो कह रहे कि आप इन्हों पहला कदम बढ़ाया चाहिए तो आप किसी से मदद मांग लें सपोर्ट ले लें फैमिली से ले लें कैसे भी करके एटलीस्ट उसको लिखे बट उन ड्रीम्स को लेट गो ना करें जहाँ पर आप हैं ये सोच कर ना बैठ जाएं कि शायद यही आपकी ज़िंदगी आपकी कोशिशें हिम्मत सब कुछ रिक्वायर्ड है तो इसीलिए आप एनू कार्ड ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि पहला मूव आप अपना लें बहुत ज़्यादा ना सोचे कोशिश करते रहें फल अपने आप आपको मिल जाएंगे सो इट्स ब्यूटफुल मैसेज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव तो ये आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है यू नो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू ये स्पेशली आपके यू नो लव हो करियर हो मंथ के लिए एनर्जीज़ हैं ये है सारी कि नो आप आगे बढ़ें लव लाइफ में भी कह सकते लोग अगर आपके पार्टनर बात नहीं करें ना आप वेट करेंगी क्या वो करेंगे आपको करें तो मैं सजेस्ट करूँगी आपको कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए अपने पार्टनर को बिकॉज आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्ट करते हुए दिख रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से अगर बात कर ले बात ही नहीं कर रहे हैं ब्लॉक किया है बड़े सारे अलग अलग वजह रीज़न्स होते हैं दिन तो कुछ नहीं कर सकते हैं बट अगर रास्ते खुले हैं बात करने के लिए तो करके सॉर्ट आउट करने का आप पहले इंटेंशन रख ले तो जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है तो येस एक्वेरियस दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू करियरग्राफ में काफ़ी अच्छी सपोर्ट आ रही है आपके लिए यू नो आपके लिए काफ़ी सपोर्ट दे रहे हैं गार्ड्स फॉर योर करियर लव लाइफ में भी रिकवरी इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है सो दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू एक्वेरियस सो आई होप आपको रीडिंग एक कनेक्ट हुई है अच्छी लगी है इफ़ सो दैन डू लेट मैनो एन दी कमेंट बॉक्स भी लाऊ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग